सिंगोनियम बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, ये कटिंग्स के थ्रू भी मल्टीप्लाई होता है और ये प्लांट पब्स भी देता है। इसकी कटिंग सॉइल में भी लगाई जा सकती हैं और पानी में भी लगाई जा सकती हैं। अभी हम देखते हैं कि किस जगह से और किस तरह से इसकी कटिंग हमने कट करनी है, क्योंकि इसकी कटिंग लगाने में सबसे क्रिटिकल पार्ट जो है वो कटिंग लेने का ही होता है। सब जो है वो एक जैसे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये एक लीव जो है, ये एक ब्रांच जो है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर को ग्रो हो गई है, जो इस प्लांट की शेप को ख़राब कर रही है। ये ब्रांच है बड़े वाली, जिसको हम कट करने जा रहे हैं। ये आपको मैं अगर क्लोज करके दिखाऊं, तो ये देखें कि इसके नीचे ये जो है वो स्प्राउट्स निकल रहे हैं, ये रूट्स निकल रही हैं। एक ये बड़ी रूट है, ये रूट्स जो है वो यहाँ से निकलती हैं और अपने आप को जो है वो अंदर इस तरह से, ये देखें, ये भी रूट निकल रही है और इसने अपने आप को मिट्टी के अंदर दबा लिया है और फिर यहाँ से जो है वो नई रूटिंग ये स्टार्ट हो जाती है। अब इस वाली ब्रांच को हम इस तरह से कट करेंगे कि इसकी जो है वो रूट्स भी साथ कट हों, इसकी रूट्स जो है वो टूटे नहीं, इसलिए इसको हम इस जगह से ऐसे रूट्स के साथ कट करेंगे। ये देखें, ये इसकी रूट्स भी साथ आ गई हैं।